हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है विक्रमशिला एक्सप्रेस के बारे में, जो कि आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर जंक्शन तक चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाए। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है विक्रमशिला एक्सप्रेस के बारे में। इसका ट्रेन नंबर जो है वो है 123/68। ये सुपर फास्ट ट्रेन है और ये आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली से भागलपुर जंक्शन बिहार तक चलती है। ये डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। अगर हम बात करें इसके ट्रैवल टाइम के बारे में तो आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर की जो दूरी है ये 21 घंटे 45 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 21 स्टेशन हैं। और टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करती है वो है 1208 किलोमीटर का और इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 56 किलोमीटर पर आवर। विक्रमशिला एक्सप्रेस में दोस्तों LHB कोचेज जो है लगाए गए हैं, जो कि सेफ्टी और स्पीड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कोचेज माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं विक्रमशिला एक्सप्रेस के कोचेस और किराए के बारे में। दोस्तों, इसमें फर्स्ट एसी का कोच है जिसका किराया जो है 3585 रुपये है। ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ ये अपडेटेड किराया नहीं है और ये जो किराया है आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर जंक्शन तक का है। बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर ले। इसके अलावा सेकेंड एसी का जो किराया है वो है 2100 रुपये। थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1455 रुपये, जिसमें GST चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल होता है। GST चार्ज जो है सिर्फ एसी कोचेस में लगता है। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 550 रुपये, इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। जनरल अनरिजर्व डिब्बों का जो किराया है वो है 304 रुपये। ये किराया आप किसी भी रेलवे वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके भी कन्फर्म कर सकते हैं। इसके अलावा विक्रमशिला एक्सप्रेस में पेंट्री कार भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं विक्रमशिला एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं कि आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर जंक्शन तक इसके कौन कौन से स्टेशन हैं। दोस्तों, जो विक्रमशिला एक्सप्रेस है इसका ट्रेन नंबर है 123/68 और ये हर रोज आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली से दोपहर के 2:40 पर रवाना होती है 3 नंबर प्लेटफॉर्म से और इसके तकरीबन 21 स्टेशन हैं भागलपुर जंक्शन तक। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का वो है कानपुर सेंट्रल। यहाँ पर ये रात के 8:25 पर पहुंचती है और 8:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मुगलसराय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में पहुंचती है रात के 2:58 पर और 3:18 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पटना जंक्शन में पहुंचती है सुबह 6:20 पर और 6:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पटना साहिब में पहुंचती है 6:48 पर सुबह और 6:50 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 96 किलोमीटर की जर्नी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये फतूहा जंक्शन में पहुंचती है सुबह 7 और 7:02 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है वो खुसरोपुर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 7:11 पर और 7:13 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बख्तियारपुर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 7:28 पर और 7:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बाढ़ स्टेशन में पहुंचती है। बाढ़ स्टेशन में ये 7:42 पर सुबह पहुंचती है और 7:44 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मकोमा स्टेशन में पहुंचती है। मकोमा स्टेशन में ये 8:12 पर सुबह पहुंचती है और 8:14 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हाथीदह जंक्शन में पहुंचती है। हाथीदह जंक्शन में ये सुबह 8:20 पर पहुंचती है और 8:22 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है वो बढ़िया स्टेशन में पहुंचती है। बढ़िया स्टेशन में ये ट्रेन जो है 8:34 पर पहुंचती है और 2 मिनट बाद 8:36 पर वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है वो लकीसराय जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:08 पर और 9:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है किउल जंक्शन में पहुंचती है। किउल जंक्शन में ये सुबह 9:50 पर पहुंचती है और 9:55 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कजरा स्टेशन में पहुंचती है 10:13 पर सुबह और 10:14 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है वो अभयपुर में पहुंचती है सुबह 10:26 पर और 10:27 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1133 किलोमीटर की जर्नी जो है आनंद विहार टर्मिनल से यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है धरहरा स्टेशन में पहुंचती है। धरहरा स्टेशन में ये ट्रेन जो है सुबह 11:04 पर पहुंचती है और 10:41 पर पहुंचती है और 10:27 पर रवाना हो जाती है।
उसके बाद ये जमालपुर जंक्शन में सुबह 11:04 पे पहुंचती है और 11:14 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बरियारपुर में पहुंचती है सुबह 11:26 पे और 11:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है। उसके बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है वो अपने फाइनली सेकंड लास्ट स्टेशन सुल्तानगंज में पहुंचती है सुबह 11:48 पे और 1 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है और 1183 किलोमीटर की जर्नी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है फाइनली अपने आखिरी स्टेशन भागलपुर जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 12:25 पे और 1 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है वो 1208 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ विक्रमशिला एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।